दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे संवाददाता अमित दुबे ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में जीत का दावा किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, केजरीवाल को आड़े हाथों भी लिया। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत हमारे साथ है। सर, दिल्ली में लगातार आप 6-6 सभाएं कर रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि आप बीजेपी क्या फाइट में देख रही है? आपको फाइट की बात नहीं करूंगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे जनता के साथ किए, जो नकारात्मक राजनीति की और जिस तरह से जनता को धोखा देने का काम किया, और जनता को ही नहीं, जिन अन्ना जी के नाम पर और उनके कंधों पर चलकर वो ऊंचे दिखाई दिए, उनकी जो टीम है, चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे यादव हों, रवीश हों, तमाम जो उनकी टीम थी, आज वो पूरी टीम उनसे हट चुकी है। और केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उसको बेहद अच्छे तरीके से समझ गई है और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि केजरीवाल नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपनी है। सर, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी दिल्ली के मैदान में, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, इतना एक केजरीवाल के लिए पूरी बीजेपी मैदान में, सभी मुख्यमंत्री बात की जाए या अन्य लोगों की। भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना कि अगर पैर में चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भावनात्मक रूप से भी एक है और जो पूरे भारत में एक भाव से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये थे साफ तौर पे सुना जा सकता था, ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो साफ तौर पे कह रहे थे कि दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल के झांसे में फंसने वाली नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।